बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहुबली कहे जाने वाले अतीक अहमद गैंग के पीछे लग गई है, जिसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हाल ही में खबर सामने आ रही है कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के फार्मेकोलॉजी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय कुमार का अपहरण हो गया है। डॉक्टर संजय कुमार बुधवार की शाम करीब 7 बजे पटना से मुजफ्फरनगर जाने के लिए निकले थे, लेकिन करीब 4 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा है। बिहार पुलिस ने इस वारदात में अतीक अहमद गैंग के शामिल होने की आशंका जताई है। अगर ये आशंका सच साबित होती है तो ये वारदात यूपी पुलिस के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उमेश पाल की हत्या करने के बाद कई आरोपी अभी तक फरार हैं। नमस्ते, मैं शिवम हूँ और आप हैं मंच पर। डॉक्टर संजय यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साढ़ू और सीनियर आईएएस डिंपल वर्मा के बहनोई हैं। बिहार पुलिस को शक है कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर दबाव बनाने के लिए अतीक अहमद इस वारदात में शामिल हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सलोनी संजय कुमार की धर्मपत्नी है। डॉक्टर सलोनी ने बताया कि बुधवार की रात 7:42 पर उनसे संपर्क किया गया था और उनसे बात भी हुई थी। बात करने के दौरान डॉक्टर संजय कुमार ने बताया था कि वह जाम में फंसे हुए हैं। कुछ घंटों के बाद फिर दोबारा डॉक्टर साहब से संपर्क किया गया, लेकिन मोबाइल नहीं उठाए। इसके बाद बुधवार की देर रात अपनी बड़ी बहन डिंपल वर्मा, जो कि यूपी कैडर सीनियर आईएएस हैं, और जीजाजी प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश कैडर को सूचना दी, जिसके बाद डॉक्टर संजय कुमार के मोबाइल नंबर को बिहार पुलिस ने सर्विलांस पर रखा। डॉक्टर संजय कुमार उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के रिश्तेदार और सीनियर आईएएस ऑफिसर डिंपल वर्मा के बहनोई हैं। अचानक उनके गायब होने से हड़कंप मच गया है। पटना के सिटी एसपी संदीप सिंह ने बताया कि मिसिंग मामला पत्रकार नगर थाने में दर्ज किया गया है। संजय कुमार की कार और दोनों मोबाइल भी महात्मा गांधी सेतु पुल से बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। डॉक्टर संजय कुमार के मोबाइल नंबर की सीडीआर भी निकाली गई है। हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने आशंका जताई है कि राजू पाल हत्याकांड प्रयागराज मामले में यूपी के एडीजी पर दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद की गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।